नमस्कार। कल हम लोगों ने तबले के ऊपर ताल का अभ्यास किया था कि तालें किस प्रकार से अलग अलग नामों से जानी जाती है, और उससे पहले जो तीसरे दिन की क्लास थी उसमें हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था, स्वर, ताल और लय। आज हम इन तीन चीज़ों के सामंजस्य के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर, ताल और लय, इनका आपस में क्या सामंजस्य है। ध्यान हमें ये रखना है कि ताल के बिना हमारा संगीत प्राणहीन है, संगीत यानी स्वर, और ताल के बिना संगीत प्राणहीन है, और स्वर के बिना उसके अंदर ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि स्वर ही ईश्वर है। इसलिए स्वर भी जरूरी है, ताल भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ में लय भी बहुत जरूरी है। तो लय जो है वो क्या होती है? तो लय, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा लय का। लय अर्थात गति, लय मीन्स स्पीड। तो म्यूजिक में, संगीत में लय तीन प्रकार की होती है, एक तो विलंबित लय, एक मध्य लय और एक द्रुत लय। तीन प्रकार की लय होती है, यानी लय विहीन संगीत को कोई भी नहीं सुन सकता। इसलिए लय का बड़ा ही महत्व है। ये कहने भी में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लय का सबसे ज्यादा महत्व है संगीत में। आप किस गति में कर रहे हैं, आपकी लय तो नहीं टूट रही है, क्योंकि हम सब लोगों ने सुना होगा जहां पर लय टूटती है वो चाहे किसी भी चीज की हो तो वहां प्रलय आता है। लय जहां टूटती है वहां प्रलय आता है, क्योंकि सारा संसार, सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड जो है वो एक लय में चल रहा है, जिसके कारण से हम सब लोग जिंदा हैं, जिसके कारण से समय पर दिन होता है, समय पर रात होती है, समय पर ऋतुएं आती है। तो लय जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में भी ब्लड की एक लय है, अगर वह लय कम ज़्यादा हो गई तो हमारा शरीर असंतुलित हो जाएगा। यानी ब्लड का, हम सब लोगों ने जिसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया है, उसको लय में रहना जरूरी है। कम हो गया तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है। इसलिए लय जो है वो संगीत में भी इतना ही महत्व रखती है। जैसे हम कोई भी गाना गाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर लय होनी चाहिए, जो हमारे मन को रंजित करे, हमारे मन को आनंदित करे, और सुनने में भी अच्छा लगे, सुनाने में भी अच्छा लगे। तो संगीत में स्वर, ताल और लय, इन तीनों का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोग कोई भी गीत गाते हैं तो उसमें हमारे पैर चलते हैं, पैर हमारे तभी चलेंगे, आनंद हमें तभी आएगा जब उसमें एक लय होगी, जब उसके अंदर एक बीट होगी। और ताल की भी एक लय होती है। जैसे हम लोगों ने मात्रा की परिभाषा क्या देखी थी कि निश्चित समय अंतराल में जब हम काउंटिंग करते हैं या ताली बजाते हैं उसको लय कहते हैं, ये मात्रा कहते हैं, सॉरी। और इन्हीं मात्राओं से ताल बनती है, और उन ताल के अंदर हमें गाना बहुत जरूरी है। ताल का हमें जब नॉलेज होगा तभी हम उस ताल में गा पाएंगे। जैसे हम भगवान का कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो हम लोग ये जो ताली बजाते हैं ये इस प्रकार से करते हैं, ये हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, एक गमक हमारे शरीर में आती है, वो इस लय से ही आती है। तो लय को समझना बहुत जरूरी है। तो विलंबित लय में हमारा, जो हम लोगों ने पहले दिन सीखा था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर ये जो ख्याल दो प्रकार के होते हैं, एक विलंबित ख्याल होता है, एक द्रुत ख्याल होता है। तो जो विलंबित ख्याल है वो विलंबित लय में बजाया जाता है। विलंबित लय अर्थात चार चार सेकंड से जब हम एक एक मात्रा को बजाते हैं, पाँच पाँच सेकंड से एक मात्रा को बजाते हैं, वो विलंबित होती है। हम लोग सामान्यतया मध्य लय, यानी मध्य लय को ही एक्सेप्ट करते हैं, मध्य लय हमें अच्छी लगती है। तो मध्य लय में हमें गाना आना चाहिए, मध्य लय का हमें पता होना चाहिए कि मध्य लय क्या है। उसमें न तो ज़्यादा भागना है और न ज़्यादा स्लो गाना है। मीडियम क्वालिटी में जब हम गाते हैं उसको हम बोलते हैं मध्य लय। जैसे हम स्कूल में प्रार्थना करते हैं तो वह भी मध्य लय में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई
कोई भूल हो ना। तो यह एक लय। तो हम सब लोगों को लय का ध्यान करना है, स्वर का ध्यान करना है, ताल का ध्यान करना है। आज की क्लास में इतना ही। लय के बारे में लग रहा हमें सामान्य सा है क्वेश्चन, सामान्य सा है ये विषय, लेकिन लय बहुत जरूरी है। इसको हम विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि लय का संगीत में क्या महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगली क्लास के लिए, जो हारमोनियम का स्केल होता है, हारमोनियम के सप्तक होते हैं और हारमोनियम को किस प्रकार से पढ़ना है ये हम सीखेंगे। धन्यवाद।